डायरेक्टर तेज सज्जा की फिल्म हनुमान जनता की फेवरेट फिल्म बन चुकी है। दरअसल शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट बहुत छोटा सा है, ना ही इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है, मगर पहले पोस्टर से ही जनता की दिलचस्पी जो है वो इस फिल्म को लेकर बनते हुए देखी गई है। जनता की दिलचस्पी जगाने वाली इस फिल्म ने थिएटर्स में जो माहौल जमा रखा है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं रही होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। लिमिटेड बजट में बनी हनुमान के स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल्स की तारीफ लगातार की जा रही है। मैथोलॉजी पर बेस्ड इस सुपर हीरो फिल्म को फैमिली ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। ओरिजिनल तेलुगु वर्जन के साथ हनुमान को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया। तेलुगु के साथ हिंदी वर्जन से भी फिल्म की जमकर कमाई हो रही है। हनुमान का क्रेज ऐसा है कि एक सॉलिड वीकेंड के बाद फिल्म ने सोमवार को भी धांसू कमाई कर डाली है। हनुमान ने सोमवार को भी शुक्रवार से बेहतर कमाई की है। रिलीज से पहले तेलुगु में हुए पेड प्रीव्यू से 4.15 करोड़ कमाने वाली हनुमान ने शुक्रवार को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की, जिसमें हिंदी वर्जन से फिल्म की कमाई का हिस्सा 2 करोड़ रुपए था, मगर शनिवार और रविवार इसके कनेक्शन में लगातार जंप आता रहा। दूसरे दिन 12 करोड़ और तीसरे दिन 16 करोड़ की कमाई के साथ हनुमान ने पहले वीकेंड में टोटल 40 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया। वीकेंड के बाद वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई में 50% तक की कमी नॉर्मल होती है, मगर ट्रेड रिपोर्ट्स बताती है कि हनुमान ने सोमवार को भी अलग ही कमाल कर दिया है। खबरों की माने तो फिल्म ने वीकेंड डे होने के बाद वर्किंग डे के बावजूद चौथे दिन 14 करोड़ के लगभग कलेक्शन कर लिया, यानी फिल्म ने चौथे दिन जितना कलेक्शन किया है उतना पहले दूसरे दिन भी नहीं किया। रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई पूरे 10% की कमी नहीं हुई है। अब 4 दिन में हनुमान ने इंडियंस बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी तो लगा दी है और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हनुमान के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 2 करोड़ रुपए के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी, लेकिन हर नए दिन के साथ इसकी कमाई में हिंदी वर्जन का शेयर बढ़ता जा रहा है। पहले वीकेंड में हनुमान के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोमवार में 14 करोड़ में फिल्म के हिंदी वर्जन का हिस्सा 3 करोड़ रुपए का ज्यादा है, यानी हनुमान ने हिंदी में अब तक 4 दिन में करीब 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। हिंदी में फिल्म का ट्रेंड बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रहा है और बॉलीवुड से कोई सॉलिड टक्कर न मिलने की वजह से उत्तर भारत में हनुमान के लिए जोरदार कमाई करने का मौका है। तो अगर आप भी कोई फैमिली बेस्ड फिल्म ढूंढ रहे हैं तो जाइए इस फिल्म को देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और साथ ही साथ आप सीधा कनेक्ट प्रभु श्री राम से कर पाएंगे।